उत्तराखंड में धीरे धीरे कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से बढ़ने लगी है। आज कोरोना का 4,807 नया मामला सामने आनी, जैका बाद प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,34,012 होगी, जबकि यहाँ से मरीजों की संख्या 1,953। हरिद्वार सांसद और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की कोरोना रिपोर्ट आज पॉजिटिव है। उन ट्वीट करी यहाँ की जानकारी देनी। उन बताया कि फिलहाल डॉक्टरों की सलाह के अनुसार दवा और उपचार लेना चन। दगड़ा में ही उन अपना संपर्क में आया लोगों से कोरोना टेस्ट करवाने अपील भी करी। आज मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावतन रायपुर स्टेडियम में बनाया कोविड सेंटर को औचक निरीक्षण करी। ये दौरान मुख्यमंत्री ने कोविड केयर सेंटर में सुविधाओं को भी जायजा लेनी। उन कोविड केयर सेंटर में बेडों की उपलब्धता और संख्या बढ़ाना निर्देश भी देने मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से बातचीत करी। सेंटर की मॉनिटरिंग से लेके मरीजों की सुविधाओं पर दिशा निर्देश देनी। प्रदेश में कोरोना महामारी काफी तेजी से बढ़नी थी। इनमें प्रशासन ने तरफा से राजधानी देहरादून में दिन का 2 बजे से सभी दुकानों से बंद करना आदेश जारी करेगी। प्रशासन का आदेश का बाद आज 2 बजे ही शहर का व्यापारियों गैर जरूरी दुकानों से बंद करी, वह पुलिस थे भी मुख्य मार्गों और बाजारों में खुली दुकानों थे जबरन बंद करना पड़ी। उत्तराखंड में कोरोना वैक्सीन खत्म होने का कगार पर प्रदेश में 2,00,000 वैक्सीन की डोज बची थी, जबकि प्रदेश में हर दिन 60,000 से 70,000 लोगों तक वैक्सीन लगाई जानी थी। अगर जल्द ही राज्य तक केंद्र सरकार बटी टाइम पर वैक्सीन नहीं मिलती तो 1 मई से प्रदेश में वैक्सीनेशन का काम पर असर पड़ सकद। कोटद्वार बेस अस्पताल में 2 दिन का भीतर ही ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट इंस्टॉल किए जालो। ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट बेस अस्पताल परिसर में पहुंच गई। इंजीनियर आने वाला समय में तत्काल प्रभाव से ये प्लांट इंस्टॉल कर ला, जैके बाद मरीजों तक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल सकली। काशीपुर में कुंभ ड्यूटी से लौटे 5 पुलिसकर्मी और कुंडा थाना का 4 पुलिसकर्मियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव है, जैके बाद एहतियात बढ़ते जाने चे। सभी 9 कोरोना संक्रमित पुलिसकर्मियों थे आइसोलेशन में भेजेगी। दगड़ा में ही स्वास्थ्य विभाग है टीमन कुंडा थाना पहुंची, थानाध्यक्ष समेत अन्य पुलिसकर्मियों की कोरोना जांच करी। हरिद्वार का सराय मान नगर निगम का डंपिंग जोन में आज भीषण आग लगी। सूचना पर मौका पर पहुंची दमकल विभाग है टीमन आग पर बमुश्किल काबू पे। यहाँ का अलावा हरिद्वार में मनसा देवी की पहाड़ियों पर भी आग लगने सिलसिला जारी है। वन विभाग का कर्मचारी आग बुझाने में लगे छन। उत्तराखंड का उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बुधवार को ताजी बर्फबारी हुई। सीमांत जनपद उत्तरकाशी का ऊंचाई वाला इलाकों में बुधवार सुबह बटी लगातार बर्फबारी जारी रहे। निचला इलाकों में भी बर्फा होनी छे, जैसे तापमान में काफी गिरावट दर्ज करेगी। बर्फबारी का बाद भारत चीन सीमा से जोड़ने वालों भैरव घाटी नीलांग सड़क भी बंद होगी। मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट का बीच आज बुधवार को केदारनाथ बद्रीनाथ और यमुनोत्री धाम में बर्फबारी हुई, वहीं राज्य का अधिकतर इलाकों में भी मौसम खराब रहे। देहरादून में भी तेज हवा चनी रहन, यमुनोत्री का आसपास का खरसाली जानकी चट्टी और फूलचट्टी क्षेत्र में भी ओलावृष्टि हुए, यकबड़कोट क्षेत्र में जमाजम बरखा हुई।